नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। शाम तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद न जाने कितने लोग संक्रमित होंगे और कितने लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। दरअसल ये हम नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आ रही तस्वीर कह रही है। जहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद मतगणना स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कराया जा रहा। सुबह 8 बजे जब मतगणना शुरू हुई तो प्रदेश के तमाम जिलों में मतगणना स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आईं। मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों और समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई। इस दौरान कई लोग बिना मास्क के भी दिखाई दिए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाराबंकी के रामनगर तहसील में बने मतगणना केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। मतगणना स्थल के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस प्रशासन कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने में नाकाम दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाथरस के कोतवाली सदर क्षेत्र में मतगणना स्थल के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी है। इस दौरान कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं दिख रहा, साथ ही बिना मास्क के भी कई लोग दिख रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को मतगणना टाले जाने की आवश्यकता जाहिर करते हुए सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि यदि यूपी पंचायत चुनाव के परिणाम 2-3 हफ्ते टल जाते हैं तो इसमें कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।